करते हैं आप, सबको पूछते रहते हैं इसके बारे में उसके। सर वो बोल रहा हूँ, पूछते रहते हैं आपका एड्रेस, आप किधर रहते हैं, इसका जिसका पूछा नहीं उसका पूछा नहीं। क्या नटू काका, आप भी कमाल करते हो यार। चुप। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। ए चड्डी चुप। बोलो सर, वो गाड़ी का मालिक आ गया। हाँ भेजो भेजो उसको। जी सर। किधर है वो गाड़ी का चोर इंस्पेक्टर, किधर है जिसने हमारा गाड़ी चुराया? Where is that car thief? I want that car thief. अरे वो एक नहीं पूरी गैंग है, गैंग पूरा गैंग। लेकिन किधर है? उधर है। वो खुदा है, एक एक गाड़ी चुराने के लिए इतना सारा आदमी। चला के लाया कि पीछे उठा के लाया? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे साहब जी, बोमन अंकल। हाँ साहब जी दिख रहा। क्या पारसी है कि सरदार जी है? हाँ अब समझा, पारसी का गाड़ी चोरी करने के लिए सरदार का गेटअप लिया है तूने। हाँ शेम ऑन यू। अरे मैं गेटअप में नहीं हूँ, मैं सच में सरदार जी हूँ, और मेरी वाइफ पारसी है, और मैं आपका जवाई हूँ, जवाई। अरे रोशन जल्दी है, बमन अंकल आया, जल्दी जल्दी जल्दी। बमन काका जल्दी जल्दी जल्दी। बमन काका टॉमी और क्यों मने? अरे आपके बड़े भाई की भाभी है ना प्रेनी, वो मेरी मामी है। अच्छा એટલે તું પરિની દીકરી? हां हाजी हाजी हाजी। हां तेरे को तो इतना छोटा देखा था, बड़ी होके तू भाग गई। वाह वाह सुधीर, थैंक यू भाई, थैंक यू। तूने रोशन भाभी से शादी की, ये रिलेशन अभी बाहर निकलने में काम आएगा ना। कैसा है मम्मी पापा? बड़ा बड़ा मजा। अरे बोमन अंकल, ये पुलिस अंकल को बोलो ना हम सबको छोड़ दें। अरे नहीं रे नहीं, ऐसा कैसा बोल सकता है कि तुमको छोड़ दे। देखो पुलिस का काम के अंदर है ना, हम हमारा नाक नहीं खोजता है। अरे क्यों की तुमने शादी रोशन भाभी से? क्यों की पंजाब में इतनी बढ़िया बढ़िया लड़की है, कोई मिली नहीं अच्छी है, रोशन भाभी से शादी की तुमने? बोलो बमन काका, एम शू करो छो, आलोक बड़ा इनोसेंट छे, इन लोग कोई कार की चोरी में इन्वॉल्व नहीं बाबा। बोमन अंकल सच में हमने कार चोरी नहीं की है, कार तो वो पीटर फर्नांडिस ने चोरी की है। Who are you? तो इस तरह इस सारे झमेले में हम लोग फंस गए। ओ आई सी, तो ये भी बात छे। हाँ देखो इंस्पेक्टर दिकरा, ये लोग सब इनोसेंट है, इनको छोड़ दे। आई तक है। अरे वाह सोटी, थैंक यू भाई, तुमने रोशन भाभी से शादी की, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अरे क्या छोड़ दूं, ऐसे ही छोड़ दूं? अरे हमको मेरा कार मिल गया है ना, तो अभी छोड़ दे। आपकी कार मिल गई तो इन लोगों को छोड़ दूं? क्या केस ऐसे ही खत्म हो जाता है? अच्छा ठीक है, हम हमारा कंप्लेंट वापस खींचने को तैयार है, बस अभी तो छोड़ेगा ना।
आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लोगे, लेकिन हमको अभी असली गुनहगार कहाँ मिला है? ये सुन ही नहीं रहा है। इन लोगों का इस केस में नाम दर्ज हो चुका है, ये लोग तब तक नहीं छूटेंगे जब तक असली गुनहगार नहीं मिलेगा। ठीक है, हम इन सब के लिए जामीन स्टैंड करता है, ओके? अभी तो छोड़ेगा ना? आप तो इन लोगों की जामीन दे दोगे, लेकिन पिछले 5 घंटे से लोग पीटर फर्नांडिस चिल्ला रहे हैं, उसका क्या करें? अरे उस पीटर को हम ढूंढ के लाएंगे चालू जी। अरे भाई पूरा नाम बोल। ओ पीटर फर्नांडिस को हम ढूंढ के लाएंगे चालू जी। अरे हाँ वो इसकी रिकॉर्ड तो चालू पे ही अटक गई है। अरे पांडे बोल पांडे। अरे चालू पांडे जी का पूरा नाम बोल भाई। अरे तो ऐसा बोलो ना, ओ वो पीटर फर्नांडिस को हम लोग ढूंढ के लाएंगे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। तो ठीक है, मैं तुम लोगों को 48 घंटे की मोहलत देता हूँ। 48 घंटे में पीटर फर्नांडिस नहीं मिला या उसका कोई सुराग नहीं मिला तो मैं तुम सबको फिर से लॉकअप में डाल दूंगा। अरे 48 घंटे में हम कैसे ढूंढ पाएंगे? शांति रखो, सब हो जाएगा, शांति रखो। हम ढूंढ लेंगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे जी उसको। याद रखना सिर्फ 48 घंटे। और याद रखना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलेंगे तो पड़ेंगे डंडे। कमाल झाली भाई। अरे अभी तक ये लोग पहुंचे नहीं, फोन तो कब का आ गया है कि पुलिस स्टेशन से निकल गए हैं। कहाँ रह गए होंगे? समय और समस्या एक साथ बढ़ रहे हैं। तो दैत्य का है। आप आओ तारक, मैं घर खोल। कितना पैसा हुआ? हेलो। अरे क्या बात है, आप सब लोग इस वक्त यहाँ कहीं बाहर जा रहे हैं? कोई फंक्शन है? नमस्ते चाचा जी, क्या सब लोगों ने यहाँ डेरा जमा रखा है आज? अरे इधर कोई डेरा नहीं जमा है, मैं तू वो पुलिस छोड़ी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई है। क्या, क्यों, क्या हुआ? अरे वही तो नहीं पता उसे क्यों लेकर गई है वो पुलिस। कुछ 2 नंबर के धंधे की बात कर रही थी वो जेठा और वो सब उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गए। अरे तो मैं अभी जेठालाल को फोन करता हूँ, आखिर बात क्या है? नहीं नहीं अभी उनका फोन आया था, वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा हाँ। लगता है वो लोग आ गए। हाँ भाई कितना हुआ? 50 रुपया हुआ साहब। एक मिनट मैं दे रहा हूँ। अरे मैं देता हूँ जेठालाल। अरे भाई मैं दे रहा हूँ ना भाई, मुझे देने दो ना भाई। ठीक है दे दो, चलो। हाँ ये लो। चलो चड्डी धरी वर राजा उतरो अभी। क्या सेठ जी आप भी आ गए? अरे नटू तू इन लोगों के साथ और वो भी इस साल में? कुछ मत पूछिए बापूजी, इसके पीछे बड़ी दुख भरी दास्तान है। हा? बबीता जी और अय्यर भाई रिक्शे में? बबीता जी आपकी सपोर्ट कर कहा है? हाँ अय्यर तेरी गाड़ी कहाँ है? अरे बापू जी अय्यर भाई की गाड़ी की वजह से ये सारा झमेला हुआ है। हाँ? मतलब हाँ, हाँ जेठालाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या झमेला, क्या क्या हुआ क्या? और छोड़ी यार तुम बताओ कौन से 2 नंबर के धंधे के चक्कर में पुलिस तुम्हें पकड़ के ले गई? अरे मेहता साहब अय्यर ने जो कार खरीदी थी ना वो चोरी की कार निकली। अय्यर आखिर ये माजरा क्या है भाई, मेरी समझ के बाहर है, किस तरह से चोरी की कार पुलिस पकड़ के ले गई भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूरी बात बताओ अय्यर यार। वो मेहता साहब हुआ यू की Yeah.
और ऐसा हुआ मेहता साहब। नहीं भाई, भगवान का तो बहुत बहुत शुक्र है कि अब तुम लॉकअप से बाहर आ गए। चलो अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। अरे नहीं मेहता साहब, कुछ ठीक नहीं है। उस पुलिस अफसर ने हमें सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी है। अगर 48 घंटों में हमने उस चोर को नहीं पकड़ा तो हम सबको वापस लॉकअप में जाना पड़ेगा। अरे सेठ जी, आप मुझे दिवाली का बोनस एडवांस में दे दीजिए ताकि मैं अपने गांव चला जाऊं। क्या? और नहीं तो क्या, 48 घंटे के अंदर हम थोड़े चोर को पकड़ पाएंगे। इसलिए जेल जाने से पहले मैं गांव जाना चाहता हूं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर जाओ और शांति से सो जाओ। तो लाइए 50 रुपए। क्यों, रिक्शा करनी पड़ेगी ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ भाई ठीक है, चलो। थैंक यू बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। वैसे लड्डू सही कह रहा था, अरे कभी कभी तो पुलिस भी चोर को 48 घंटे में नहीं पकड़ पाती, तो तुम लोग कैसे पकड़ोगे? ऐसे बहस करने और चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पास 48 घंटे हैं तो कम से कम हमें उस चोर को पकड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल, माना कि काम मुश्किल है लेकिन अगर हम कुछ सोचें तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो एक काम करते हैं, अभी हम सारे लोग थके हुए हैं, हम थोड़ी देर बाद फ्रेश होके क्लब हाउस में मिलते हैं और मिलकर कुछ सोचते हैं कि आखिर उस चोर को कैसे पकड़ा जाए। अरे देवा माधवी, सिर्फ 46 घंटे रह गए, अगर ये पीटर नहीं मिला तो ये पांचों के पांचों फिर से जेल में होंगे। भाई कोई सामता है क्या? नहीं तो क्या है? मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो मारूंगा डंडे। पंजे? ये वो इंस्पेक्टर की भाषा है ऐसी, बात बात पे डंडे मारने की बात करते है माधवी। नहीं तो क्या है, तुम देखना माधवी, अगर ये पीटर नहीं मिला ना तो ये अय्यर सोड़ी जेठालाल पोपटलाल लड्डू काका ये सारे के सारे फिर से लॉकअप में हो जाए। लड्डू काका खामखा फंस गए इसमें है ना बेचारे। ये पोपट बहुत जन पत्रकारों के भी कुछ बोला नहीं उन्होंने वहाँ पे। अरे उसके अंदर जाने का कारण उसका बोलना ही तो था। हाँ, जैसे ही जेठालाल अय्यर और सोड़ी को अंदर डाल दिया, ये पोपट माश है गुस्से से लाल हो गए, ये इंस्पेक्टर के सामने दुनिया हिलाने की बात करने लगा, कानून मंत्रालय को हिलाने की बात करने लगा। इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, टकला दिला हाथ में। पोपट भौजी पढ़ना कहीं तो गए। अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं बोला वहाँ। नहीं बोला ना मैंने। हा? नहीं मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कौन। हा? तो मैंने बड़े शांति से कहा कि देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, गोकुलाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और मैं साथ में एक शिक्षक भी हूँ। तो उन्होंने बड़े इज्जत के साथ मुझे कहा कि जाओ चुपचाप वहाँ खड़े रहो। अगर तू भगत काय बसली माधवी, चला आपल्याला जायचं ना, वो पीटर को पकड़ने का प्लॅनिंग करना क्लब हाउस में जाके। हाँ चला चला जीवाला वाडा, चला हो चला चला। रोशन चालनी बाबा, चंबा चालनी। रोशन तू खाना खा ले प्लीज। अरे एम सो करे छे रोशन, तू भी टड्डन अजब गजब है, थोड़ा सा तो खा लेना बाबा। नहीं रोशन, जब तक ये चीटर पीटर को पकड़ने का मुझे आइडिया नहीं आ जाता ना, तब तक ये रोशन सिंह थोड़ी खाना नहीं खाएगा। ए रोशन, ए वो थोड़े ना थाए बाबा। देख तू कुछ खाएगा ना तो दिमाग में आइडिया आएगा, उसके लिए खाना जरूरी है ना बाबा। अरे रोशन तू खाने के बारे में बात कर रही है, वो अय्यर प्रा के बारे में सोच, वो बेचारे को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी लॉकअप के अंदर मनानी पड़ी और वो पीटर फर्नांडिस उसके 4 लाख रुपए भी लेके भाग गया, और मैं रोशन सिंह सोनी उस पे तो उसके कस्टमर बोलेंगे कि कार की चोरी का काम करता है। अरे मेरे पे लोग कैसे विश्वास करेंगे अब? अरे मेरे को ये पीटर फर्नांडिस मिल जाए ना तो मैं इसको चटूंगा नहीं। शांत रह जा, आस्ते आस्ते। पीटर फर्नांडिस।
टप्पू के पापा अब सोच क्या रहे हैं? खाना खाया? खाना गले के नीचे ही नहीं उतर रहा दया। क्यों? बबीता जी की वजह से। मतलब बबीता जी और अय्यर भाई की चिंता हो रही है मुझे। वेडिंग एनिवर्सरी का दिन पुलिस लॉकअप में बिताना पड़े, कितने दुख की बात है। हाँ। अय्यर भाई के सरप्राइज गिफ्ट उनको ही भारी पड़ गई। और नहीं तो क्या, क्या जरूरत थी इतनी महंगी गिफ्ट देने की। अय्यर भाई भी ना बबीता जी का इम्प्रेस करने का जबरदस्ती का शौक है उनको। शादी के बाद क्या इम्प्रेस करने का है? मतलब अभी सोचो, अगर वो पीटर नहीं मिला तो अय्यर भाई को तो 4 लाख का नुकसान हो जाएगा ना। टप्पू के पापा, मुझे से लगता है कि अय्यर भाई को 4 लाख का नुकसान होगा, उसमें कुछ जिम्मेदार आप भी है। कैसे? भले सूरी भाई ने पीटर भाई की कार अय्यर भाई को बेची, लेकिन पीटर भाई को सूरी भाई के यहाँ तो आपने ही भेजा था ना। तो आपको नहीं लगता कि 4 लाख के नुकसान में कुछ लाख का भार आपको भी उठाना चाहिए? चल चल अबे, पागल हो गए क्या? बात में मुझे थोड़ी पता था कि उधर अय्यर भाई 4 लाख लेके ऐसे खड़े गाड़ी खरीदने के लिए। मैंने तो पीटर को ऐसे ही भेज दिया सोटी के पास। अभी अय्यर भाई ने बिना सोचे समझे गाड़ी खरीद ली तो वो भुगते, मैं क्या करूँ उसमें। चल चावल दे। ये जेठिया, अभी ये बातें करना बंद करो। 48 घंटों में से 2 घंटे तो बीत गए, ऐसे ही बातें करता रहेगा तो बाकी के 46 घंटे भी बीत जाएंगे। उससे अच्छा ये सोच कि अगर 46 घंटों में वो पीटर नहीं मिला तो क्या होगा। तो क्या ये घर का खाना छोड़ के जेल का खाना खाने की नौबत आ जाएगी बापूजी? बताजी, आप जल्दी से चोर भाई पीटर भाई को पकड़ा दीजिए। मैं टप्पू के पापा को जेल का खाना खाते हुए नहीं देखना चाहती। दया तू चिंता मत कर, वो मेहता साहब ने सबको अभी क्लब हाउस में बुलाया है, वो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। चल अभी तो चावल दे। अय्यर प्लीज थोड़ा सा खा लो ना। नो बबीता, मुझे भूख नहीं है। इतने अरमानों से तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए मैंने वो स्पोर्ट्स कार खरीदी थी, लेकिन वो कार चोरी की निकली। सॉरी बबीता, मेरी वजह से हमारा वेडिंग एनिवर्सरी डे बर्बाद हो गया। अय्यर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब जो होना था सो हो गया ना। फिर भी आई एम सो सॉरी। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि वो पीटर पकड़ा नहीं गया तो हमारे 4 लाख तो जाएंगे ही, ऊपर से जेल जाना पड़ेगा वो अलग। अय्यर ऐसी बातें प्लीज मत करो, आई एम श्योर वो पीटर जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ। वैसे भी मेहता साहब ने अभी सबको बुलाया है ना सोसाइटी क्लब हाउस में, आई एम श्योर कोई ना कोई आइडिया जरूर निकल आएगा। तिरुपति बालाजी, वो पीटर को पकड़ने का कोई ना कोई आइडिया दे दो प्लीज। हे माँ दुर्गा, प्लीज प्लीज कोई उपाय बोलो। मेहता साहब, हम सब सोच सोच के थक गए, लेकिन कोई आइडिया सूझ नहीं रहा। अभी आप ही को रास्ता बताइए। हाँ भैया। प्याज जीरा। यार मेरे दिमाग में एक चीज आती है जेठालाल, किसी भी अपराधी का एक बहुत सामान्य मनोविज्ञान होता है, वो जिस जगह भी अपराध करता है वहां दोबारा जाने की कोशिश जरूर करता है, ये देखने के लिए कि भाई उसके बाद क्या हुआ। मतलब वो पीटर फर्नांडिस सोड़ी की गैरेज में फिर से आएगा? बले, 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 बले। तो वो जेठालाल की दुकान पर भी आएगा। एग्जैक्टली, इसलिए जेठालाल और सोड़ी, मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, वो आएगा जरूर। अरे मेहता साहब आने दो पीटर फर्नांडिस को, इस बार तो मैं उसका मार मार के ना भुर्ता का चूमर बना दूंगा। अच्छा जेठालाल,
वो सोड़ी से पहले तुमसे मिला था ना? हाँ। तो जिस वक्त वो तुमसे मिला, तुमने कोई ऐसी बात नोट की जो नॉर्मल नहीं हो? मतलब उसके बोलने का तरीका या तो कुछ अलग हो, या कुछ उसका चलने का तरीका, या उसकी बॉडी में कुछ ऐसा, उसके चेहरे में कुछ भी ऐसा जो बाकी लोगों से उसे अलग करता हो? टप्पू के पापा याद कर जा, याद कर जा। नहीं, ऐसा कुछ खास, मतलब ऐसे ध्यान में ऐसा कुछ अलग तो कुछ नहीं था। हाँ, उसकी हाइट ज्यादा थी और चेहरे पे वैसे कोई निशान तो नहीं था, लेकिन बकरा दाढ़ी थी उसकी, टोपी पहनी थी। बकरा दाढ़ी? हाँ? फ्रेंच बियर्ड, वो ऐसे होती है ना दाढ़ी। ओ, और वैसे मैं उसको ज्यादा नहीं मिला हूँ क्या, वो मोबाइल लेने आया था, फिर वो रिचार्ज कूपन मैंने उसको दिया 500 का, और फिर मैंने उसको सोटी के पास भेज दिया। मतलब ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था जो तुम्हें याद रह सके? अच्छा सोटी, तुमने कुछ उसकी खास बात नोट की क्या? अरे मेहता साहब, मेरे साथ तो काफी देर बैठा था और हम लोग ने चाय शाय भी पी थी, और अगले दिन वो कार देके और पेमेंट लेके चला गया था। सोड़ी, जिस वक्त वो तुम्हारे साथ बैठा था, चाय पी रहा था, तुमने कुछ नोट किया? मान लो उसके पास किसी का फोन आया हो, या उसने किसी से कोई खास बात की हो, या बातों बातों में उसने ये बता दिया हो कि वो कहाँ का रहने वाला है, या उसका कोई रिश्तेदार या कोई नाम, जिससे मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे कुछ सुराग मिल सके। यार याद करो सोड़ी, याद करो। हाँ सोड़ी प्लीज। हाँ सोड़ी भाई, याद कीजिए ना। हाँ मेहता साहब, वो कुछ पुणे की डील की बात कर रहा था, कह रहा था वहाँ मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, और इसीलिए मैं ये कार इतनी सस्ते में बेच रहा हूँ। थोड़ी यार, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, इससे तो कुछ भी जान पाना बहुत मुश्किल लगता है। कोशिश करो ना याद करने की, तुम्हारे साथ बहुत देर रुका था वो, कि कोई भी ऐसी चीज हो जो थोड़ा उसे अलग करती हो, जिससे हमें कुछ सुराग मिल सके। बोलने जल्दी, अच्छे से याद कीजिए ना। अरे हाँ मेहता साहब, एक बात मैंने गौर की थी। क्या, 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 क्या? मिला, कुछ तो मिला। हाँ। ओहो, तूफान एक्सप्रेस। अरे मेरा दोस्त है पत्रकार पोपटलाल, और दुनिया हिला देता है जी। ओह आई सी। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखता है जी वो। इज इट? ओहो, इससे तो एक ही चीज साबित होती है कि तूफान एक्सप्रेस चोर लोग ही पढ़ते हैं। जेठालाल, क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तूफान एक्सप्रेस बहुत फेमस है, चोर लोग भी पढ़ते हैं। ये अभी बराबर बोला भाई, सभी लोग पढ़ते हैं, समाज के हर सेक्शन के लोग तूफान एक्सप्रेस को पढ़ते हैं। वो भी खरीद किए। एग्जैक्टली जेठालाल, और अब ये तूफान एक्सप्रेस ही हमें चोर के पास ले जाएगा। वो कैसे? क्या मतलब? हाँ, कैसे? अरे मेरे दिमाग में एक बहुत अफलातून आइडिया है। वो क्या? मैं बताता हूँ अय्यर। देखते हैं कि चोर हमारे हाथ में आता है या नहीं, है ना? क्या बोलते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये देखो, ये बात होती है, कोई कमाल है भाई। मेहता साहब, आप कमाल हो, आपको सीआईडी में होना चाहिए था। सीआईडी के एफबीआई सीबीआई सब में होना चाहिए था यार। मैं अभी तूफान एक्सप्रेस के ऑफिस जाता हूँ, और जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा इश्तिहार छपवा देता हूँ। आप देखिएगा कल के अखबार में फ्रंट पेज पे ये इश्तिहार छपेगा। वेरी गुड पोपटलाल जी। पोपटलाल, अगर वैसा का वैसा एड छप गया ना, तो निश्चित तौर पे इसे पढ़ के वो पीटर फर्नांडिस हमारे जाल में फंसेगा, पक्का। पोपटलाल, आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे थैंक यू भाई, जल्दी चल भाई, चल अब्दुल, जल्दी चल। अरे अय्यर भाई, ओ अय्यर। हाँ पोपटलाल। अरे भाई, वो पीटर फर्नांडिस अब बच नहीं सकता, आपका काम हो गया। देखो मैंने वो एड छाप दी। थैंक यू पोपटलाल, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अरे माय प्लेजर भाई, अभी जल्दी नीचे आ जाओ भाई, नीचे आओ। मैं अबे नीचे आता हूँ। जेठालाल, 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 काम हो गया है, वो एड छाप दिए मैंने। भाई नीचे आ जाओ, जल्दी नीचे आओ। अभी आया। भिड़े, ओ भिड़े भाई, ओ एक में वो सेक्रेटरी साहब, बाहर आइए, बाहर आइए।
काजल पोपटलाल। अरे भाई वो काम हो गया है, पत्रकार पोपटलाल ने वो एड छाप दिए। भाई नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। वाह वाह अप्रतिम, अभी आया मैं। ए माधवी। ओ सॉरी भाई, ओ सॉरी प्रा। ओ पप्पू क्यों हो गया? भाई देखो देखो हमने काम कर दिया है, वो एड छप गई अखबार में। भाई जल्दी नीचे आओ। पप्पू पत्रकार पोपटलाल यार तू तो ग्रेटेस्ट ग्रेट है। आ रो मैं थल्ले। आजा आजा। हाँ कोमल भाभी, वो काम हो गया है भाई। yes. अरे मेहता साहब, ओ मेहता साहब, अरे बाहर आइए भाई। पोपटलाल क्यों चिल्ला रहे हो? जैसे डिसाइड हुआ था वैसे की वैसी एड छापी है, देखिए आप ये। क्या बात कर रहे हो? अब फंसेगा वो जाल में। हाँ, खोटाड़ा कुटला। क्या बात है पोपटलाल, क्या फास्ट काम है तुम्हारा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। क्या बात है, ये बढ़िया काम किया तुमने पोपटलाल। पीटर को ना अब मैं लॉकअप में पहुंचा के रहूंगा। छाप दिया सर। हाँ एड छाप दिया भाई। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। छोड़ दिए आपको मैं। आप छाप दीजिए ना। क्या देखो भाई, वो छाप चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। पोपटलाल कल रात को बात हुई मेहता साहब, रात को छाप भी दिया इसने। वाह 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 मेहता साहब। हाँ प्लीज पढ़िए। हाँ सुना देता हूँ भाई सबको, बहुत बढ़िया एड छपा है। हाँ पढ़ो भाई। वांटेड स्पोर्ट्स कार, दुबई के मशहूर स्पोर्ट्स कारों के शौकीन शेख अबुली तैयब शबीर बिन फिरोज जिन के पास दुनिया की सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स कारों का कलेक्शन है, वो दो दिन के लिए मुंबई की यात्रा पे आए हैं। अगर किसी को अपनी नई पुरानी एंटीक स्पोर्ट्स कार बेचनी हो तो जल्द से जल्द शेख अबुली तैयब शबीर बिन फिरोज को संपर्क करें। उनका सबसे फेवरेट कलर रेड है। अगर स्पोर्ट्स कार टू सीटर है और साथ में रेड कलर का कॉम्बिनेशन हो तो शेख अबुली तैयब शबीर बिन फिरोज उस कार के 25 लाख देने को भी तैयार है। कृपया संपर्क करें 9820539। अरे भाई पोपटलाल ये तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर क्यों छाप दिया? अरे भाई तुम्हारा नंबर सूझा तो तुम्हारा छाप दिया। अरे भाई मेरा नंबर तो तुमको अपना नंबर नहीं सूझा? नहीं नहीं, क्या है ना जेठालाल, एक तो मेरा फोन प्रीपेड है, ऊपर से पुराना है, कभी वो बैटरी सही रहती है नहीं रहती है, कभी फोन बंद हो जाता है, कभी बैलेंस नहीं होता है, हजार तरह के प्रॉब्लम है भाई मेरे फोन में, इसलिए तुम्हारा नंबर दे दिया। वो क्या है तुम्हारा नंबर एकदम सेफ रहेगा। अरे लेकिन यार छोड़ो ना, अब किसी का तो नंबर छापना था, अभी आपका छाप दिया यार, इसमें क्या है? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे नंबर किसी का भी हो भाई, लेकिन अब हमारा प्लान 100% कामयाब हो जाएगा। लेकिन मेहता साहब आपको क्या लगता है, वो ऐसा एड देखकर हमको फोन करेगा? अरे अय्यर भाई, पैसे का लालच ऐसी चीज है कि ईमानदार आदमी भी एक बार तो डोल जाता है, और वो तो है ही फ्रॉड। 200% इस एड को देखने के बाद फोन करेगा वो, गारंटी। पोपटलाल आज तुमने साबित कर दिया कि तुम तूफान एक्सप्रेस के रिपोर्टर हो। अरे क्या तूफान स्पीड से ऐड छापी है? शाबाश शाबाश। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये डिब्बे ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। हाँ एकदम सुपर फास्ट हो। यस थैंक यू माधवी भाभी। अभी क्या है ना, तूफान एक्सप्रेस बहुत बढ़िया अखबार है, और ये पत्रकार पोपटलाल भी अच्छा अच्छा काम ही करता है। पोपट भाई आपने सच में हम सबको हिला दिया। हाँ दया भाभी क्या आपकी। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू वेरी मच। देखो देखो जेठालाल। अरे ये नंबर तो जाना पहचाना नहीं है मेहता साहब। जेठालाल बात करो, जरूर उस कार स्टोर का फोन होगा। हाँ हाँ जैसा प्लान बनाया उसी तरह से बात करना। ओके ठीक है, लेकिन वो नाम क्या है? मैं बोलता हूँ, शेख अबुली तैयब शब्बीर बिन फिरोज। अरे ये नाम है कि एड्रेस है भाई? बोलो ना भाई। अब जो भी है नाम यही है, बोलो बोलो जल्दी बात करो। हेलो हेलो, आप शेख अबुली तैयब शब्बीर बिन फिरोज है? जी जी, हम शेख अबुली 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 बोलती। मैं पीटर फर्नांडिस बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो पीटर फर्नांडिस बोलो। ओह माय गॉड, बात करो बात करो बात करो, बोलो। हेलो सर, मैंने अभी अभी तूफान एक्सप्रेस में आपका एडवर्टाइजमेंट पढ़ा। हाँ हमने अभी अभी पढ़ी। मतलब मतलब सुनी, मतलब वो एड हमने छपवाए है। अच्छा अच्छा, आपको रेड कलर की टू सीटर स्पोर्ट्स कार चाहिए ना? वैसे ही कार मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात होती।
अगर तुम हमको 2 सीट की लाल स्पोर्ट्स कार बेचती तो उसका हम तुमको 25 लाख 25 लाख देती। बोलो तुम हमको किधर और कब मिलती? बस मैं थोड़ी देर में आपको फोन करके बताता हूँ क्या हम कहाँ मिलेंगे। लेकिन सुनो, हम थोड़ा जल्दी में होती, कल दोपहर को हमारा जहाज इधर मुंबई से दुबई के लिए रवाना होती, तो अगर तुम हमको ये गाड़ी कल दोपहर तक बेचती तो ही हम तुमको 25 लाख देती। दोपहर के बाद आती तो हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होती। नो नो मिस्टर शेख, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र। नहीं, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओके ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आप बात है जेठालाल, तुम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच कोई शेख बात कर रहा हो। भाई कमाल कर दिया जेठालाल, वेरी गुड। अरे जेठालाली, तुम कितने अच्छे ढंग से बोली, हमको बहुत मजा आ ली। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि डुबू के पापा बोल रहे थे। Exactly. जेठा भाई, डिट्टो शेख जैसे बात कर रहे थे आप? अच्छा, वाह जेठिया, बचपन में तो स्कूल में नाटक किया करता था, वो आज काम आया है। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। और दूसरा क्या, अभी एक हफ्ते पहले मेहता साहब एक मस्कत से पार्टी आई थी, तो उसके साथ बातचीत करते करते वो जैसे बोलते थे ना, वो सुन सुन के थोड़ा मुझे भी आ गया ऐसा बोलने का। चांगला चांगला। ओ जेठालाल, ये सब छोड़ो, वो पीटर क्या बोला वो बोलो। हाँ। अरे हाँ जेठालाल, जल्दी से टाइम हो तो। हाँ, उसने बोला अभी थोड़ी देर में वो फोन कर रहा है। अच्छा जेठालाल, अगर उसने तुम्हें ये कहा है कि वो थोड़ी देर में फोन करेगा तो 100% वो अभी सोडी को फोन करेगा इस कार के लिए, देख लेना। ये लो, आ गया, उसी का फोन होगा। पता नहीं किसका नंबर है। बोल बोल बोल, बात कर बात कर। हाँ तो कर। हेलो। अरे मिस्टर शोरी, मैं पीटर फर्नांडिस बोल रहा हूँ। अरे पीटर परा, कहाँ है तू यार? वो कार के कागज ट्रांसफर करने हैं, वो कब मिल रहे हो? अरे सोडी भाई, आपका एकदम अर्जेंट काम है, बोलो कब मिल सकता हूँ? यार मैं गैराज के लिए निकल रहा हूँ, तो तुम आधे घंटे में आ जाओ गैराज। ओके ओके, आई एम कमिंग देयर। ओके। और चंगा जी, वो पीटर हमारे जाल में खुद फंसने के लिए आ रहा है। Yes, very good. मैंने बोला था ना, पक्का आएगा, ये जाल में फंसेगा ये। मेहता साहब आजो आ जाए, मैं अनु छटंगा नहीं। हाँ, मेरा भी 4 लाख रुपए लेकर भाग गया। पकड़ क्या लेते, जल्दबाजी मत करो, अभी हमें उसे नहीं पकड़ना है। अभी हमारे प्लान का सिर्फ पहला हिस्सा कामयाब हुआ है, अभी 2 हिस्से बाकी हैं, और सबसे पहले अय्यर के 4 लाख रुपए निकलवाने। यस मेहता साहब, यस। इसे छोड़ी, तुम्हें पता है ना कि जब वो आए तब क्या करना है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। और मेहता साहब तुम फिक्र ना करो, और मुझे सब पता है कि क्या करना है, और उसके आने से पहले मैं वहां पहुंच जाता हूं। मेहता साहब, क्यों ना हम सब भी छोटी का गरज जाए। नहीं नहीं भाई, आप समझने की कोशिश करो भाई, अगर इतने सारे लोगों को उसने एक साथ देख लिया तो शक नहीं होता होगा तो भी हो जाएगा। यस यस करेक्ट है मेहता साहब। अरे लेकिन हम दूर खड़े रख के देखेंगे ना। हाँ दूर से ही, चुप चुप के, चुप चुप के। क्या है ना, हम सब लोग साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा फिर एक काम करते हैं, हम चलते जरूर हैं लेकिन एक चीज याद रखना, हम दूर से देखेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं, वरना अगर हमारा ये प्लान चौपट हो गया तो आप लोग फिर से लॉकअप में होंगे। भगवान। नहीं नहीं मेहता साहब, हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है, समझ गया। चलो 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 चलो। अरे वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, हम लोग छुप जाते हैं अंदर। क्या करते हो भिड़े? क्या कर रहे, चश्मा का नंबर बदल गया क्या? अरे ये बीच में रखा है जेठालाल, आराम से भिड़े। वो बीच में नहीं है, हम बीच में घुसे हैं। छोड़िए, आया तो नहीं? नहीं नहीं मेहता साहब, उन्हें नहीं आया।
वेलकम वेलकम पीटर प्रा। और बड़ी देर से मैं आपकी राह देख रहा था। अच्छा बताइए वो अर्जेंट काम क्या था जी? ब्रदर, वो स्पोर्ट्स कार मैंने जो तुमको बेचा था वो हमको वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा फादर का आखिरी निशानी है। फेंक तो है वो, फेंक तो है। ये कार बेचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये कार मुझे नहीं बेचना मांगता था। ये कार हमको वापस चाहिए। मांगता तो हम तुमको 50,000 एक्स्ट्रा देगा। ओ कमाल है जी, फादर के नाम पे 50,000 मांगने वाला पुत्र मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये पुत्र नहीं, राक्षस है, राक्षस। लेकिन वो जो गड्डी का मालिक है ना, वो गड्डी वापस करेगा नहीं जी, और वो अपने पेपर भी मांग रही है। अरे चाहिए तो 50,000 और दे देगा, 1,00,000 रुपी एक्स्ट्रा देगा। ये लालची मानुस है। लेकिन प्लीज आई बेग यू, वो कार कस्टमर से मुझे वापस लेके दो। आई मिस्टर पीटर फर्नांडिस साहब, और मैंने सब पता है कि आप 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों देना चाहते हो कार के। अरे ठीक है, गैराज का काम करते हैं, पर पढ़े लिखे हम भी हैं जी। और वो जो शेख साहब ने इतना बड़ा ऐड दिया ना इश्तिहार, बाया ऊंट पहाड़ के नीचे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2-सीटर स्पोर्ट्स कार और अगर रेड कलर की हो उसके वो पूरे देंगे 25,00,000 रुपए। 25,00,000, क्या सही है ना? यस मिस्टर सोडी, यू आर राइट। लेकिन उस कस्टमर से तुम मुझे कार वापस ला के दोगे तो मैं तुम्हें तगड़ा कमीशन दूंगा। अजी तगड़े कमीशन की कोई बात नहीं बनेगी जी, अगर प्रॉफिट में 50-50 का हिस्सा करते हो तो मैं गाड़ी के मालिक से बात करूं। बोलो। ठीक है, 50-50 की डील पक्की। लेकिन वो कार वापस लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अजी वो मेरे पे छोड़ दो, आप बस 4,00,000 रुपए का इंतजाम करो फटाफट। लेकिन मैन, वो पार्टी को तुम कन्विंस कैसे करेगा? फर्नांडिस साहब, ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं गड्डी के मालिक को कहूंगा पेपर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, और साथ में उनका फैमिली डिस्प्यूट भी चल रहा है, और साथ में जो गड्डी में सारे स्पेयर पार्ट्स हैं एकदम डुप्लीकेट लगे हुए हैं, और साथ में गड्डी एक्सीडेंटल है, और गड्डी का मालिक खुद ही घबरा के कहेगा जी गड्डी ले जाओ जी, मेरे 4,00,000 वापस ला दो क्या। यू आर वेरी स्मार्ट। अरे वो तो मैं बचपन से ही हूँ। और क्या है ना, जब पैसे की बात हो ना तो अच्छे अच्छे बहुत स्मार्ट हो जाते हैं जी। जेठालाल, ये सूरी तो रातों रात इतना टॉप का बिजनेसमैन हो गया, तुमसे ट्रेनिंग ली है क्या? अरे भाई, पूरी दुनिया में दो ही कौम है जो बिजनेस में बहुत होशियार है, पंजाबी और गुजराती। हाँ ये तो है। ब्रदर, फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ बिजनेस करने का मजा आएगा। अजी मजा, बहुत मजा आएगा हमारे साथ। अब ये बताओ, 4,00,000 रुपए को बुला रहे हो? रात को 8 बजे पैसा तैयार मिलेगा। पीटर ब्रा, फिर आप एक काम करो, शाम को 8 बजे सीधे मेरे घर पे आ जाओ, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिन सिटी रोड। मैं गड्डी में ही मंगा के रखता हूँ जी। वाह सोड़ी वाह। ठीक है, तो मैं रात को 8 बजे पैसे लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में आता हूँ। मैं अभी मिस्टर शेख को फोन करता हूँ। अरे शेख साहब, करो फोन करो, 25,00,000 तो उनसे ही है। हेलो मिस्टर शेख, सलाम अलैकुम। हेलो बोला, कौन बोलती? मैं पीटर फर्नांडिस बोलता हूँ शेख साहब, सलाम अलैकुम। हाँ हाँ हाँ, हम तुमको पहचानती। बोला बोला, क्या बोलती? मैंने आपको बात किया था ना सुबह में रेड कार के लिए, आपको जैसी चाहिए वैसी ही रेड कलर की 2-सीटर स्पोर्ट्स कार मेरे पास है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात होती। अगर वो गाड़ी एकदम चकाचक होती तो हम उसका तुमको 25,00,000 रोकड़ा देती। लेकिन उसके पहले हम वो कार देखना मांगती। ओ यस ओ यस, रात को 9 बजे आप कार देख सकते हैं।
इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं तुम्हारे पीछे होती। सत्यानाश। क्या हुआ क्या हुआ? मतलब ओ हमारा दुबई का टाइम इंडिया से पीछे होती, इसलिए हमारा मुंह से ऐसे निकलती कि हम तुम्हारे पीछे होते। अब वो सब छोड़ो, तुम हमको बाद में फोन करो तो हम तुमको बोलती कि तुम हमको शाम को किधर और कहाँ मिलती। ओके, जय ऑफिस। जय ऑफिस मतलब खुदा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओ खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलो ब्रदर, अभी हम जाता, रात को 8 बजे हम पैसा लेके आएगा। तुम गाड़ी तैयार रखना, फिर हम दोनों साथ में शेख साहब को मिलने को जाएगा। ओके? हाँ बिल्कुल। गुड बाय पार्टनर। गुड बाय शामगा, आपका शेख का स्वागत करेंगे। आओ जी आओ, बैठो जी। चंगा बेटा प्रा, मिलते हैं शाम को गुगलाम सोसाइटी। हाँ चलो काके। चिंता मत कीजिए, आपके 4 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। एक मिनट। अरे वो पीटर फर्नांडिस शाम को गाड़ी लेने आ रहा है, लेकिन गाड़ी है किधर? वो तो बोमन अंकल लेके गए ना। हाँ भाई, गाड़ी का इंतजाम तो करना पड़ेगा, उसे आखिरी वक्त तक हम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्टली सोडी, भिड़े की बात तो बिल्कुल सही है भाई, स्पोर्ट्स कार के बिना कैसे चलेगा, बहुत जरूरत है हमें उसकी। अरे मेहता साहब कोई गल नहीं, मैं अभी बोमन अंकल को फोन करता हूँ और कहता हूँ 2 घंटे के लिए हमें स्पोर्ट्स कार दे दो, और मान जाएंगे जी। हाँ फोन कर जल्दी फोन कर। अब बोमन अंकल साहब जी, मैं रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। अरे वही जो आपके भतीजे को भगा के ले गया था आपका जवाई, मुझे लॉकअप में मिले थे ना, वो आपकी कार की चोरी के चक्कर में, और आप ही ने तो हमको बाहर निकाला सबको। बमन अंकल की याददाश्त कमजोर लगती है। हाँ वही पुलिस स्टेशन में मिलने वाला जवाई। हाँ मजा मा दारू छे। बमन अंकल एक गुड न्यूज है, वो चोर का हम सबने मिलके पता लगा लिया है, पर रिक्वेस्ट है कि उसको फंसाने के लिए ना आपकी गड्डी हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए। हाँ जी शाम को 7 बजे गोकुलधाम सोसाइटी, एड्रेस मैं आपको SMS करता हूँ जी। चंगा जी साहब जी। अरे बोमन अंकल खुद अपनी गड्डी लेके हमारी सोसाइटी में शाम को 7 बजे आ रहे हैं। और ये पीटर फर्नांडिस की तो मैं नानी क्या पूरा खानदान याद दिला दूंगा, मजाक बना के रखा इसने। बुकुलमस काडिया तला क्या मारेंगे उसको? हाँ, अरे बिल्कुल हाँ, और नहीं तो क्या। अरे उसकी वजह से बबीता जी बेचारा अपना वेडिंग एनिवर्सरी का केक नहीं काट सके। बताओ जय डाला, तुमको केक की पड़ी है? मुझे वेडिंग एनिवर्सरी का दिन लॉकअप में काटना पड़ा। बोलो। और उसी की वजह से ये पत्रकार पोपटलाल को लॉकअप की हवा खानी पड़ी थी। तो मैं भी अंदर ही था भाई। अरे हम सब थे यार। भाई थे, मना थोड़ी किया मैंने। अरे तुम सब लोग उसकी वजह से लॉकअप में गए हो, उसने तुम लोगों को लॉकअप में पहुँचाया है, तो आज हम मिलकर उसे लॉकअप में पहुँचाएंगे। रोशन मेरी जान, मेरी सोनिया कितने रह गई, लस्सी लेके जल्दी आ। हाँ बाबा लाई जरा गपचुप बेसनी, कितनो रमखान करे छे। आई ले ये पीटर, तुम लोग के जाल में क्या फंस गया, जब से तू बहुत एक्साइटेड हो रहा बाबा। अरे सोनिया मैं एक्साइटेड तो होऊंगा ही ना, क्योंकि ये पीटर अब रोशन सिंह सोडी के हाथों से ज्यादा दूर नहीं है। आने तो इस चीटर पीटर को, इस पीटर का मैं ऐसा पिटारा खोलूंगा कि मार मार के इसका बैंड बजाऊंगा, इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ए रोशन इतना गुस्सा ना करनी बाबा, थोड़ा शांत हो जा। ओ रोशन तू भी कमाल करती है यार, ओ तेरे हस्बैंड के ऊपर कार चोरी का कलंक लग गया, हम सारे मर्दों को जेल के अंदर जाना पड़ा। वो अय्यर प्रहा के 4 लाख रुपए मारे गए, यही नहीं अय्यर और बबीता जी की वेडिंग एनिवर्सरी की यही तो होगी, और तू कह रही है मैं गुस्सा ना करूं, शांत हो जाऊं। ठीक छे बाबा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि कोई भी कार की डील करने से पहले कार के ओनर की पूरी इंक्वायरी कर लेना। ओके ओए सोनिए, मैं सब इंक्वायरी करके ही डील करता हूँ,
अरे ये जो चीटर पीटर है ना, ये जेठा प्रा के थ्रू आया था। उधर से अय्यर प्रा को भी गड्डी खरीदने की बहुत जल्दी थी, तो इसलिए मैंने इंक्वायरी नहीं की। हेलो, हाँ जी। हेलो, सॉरी, मैं पीटर फर्नांडिस बोल रहा हूँ। ओहो, पीटर प्रा, कितने हो? आ जाओ, आपकी गड्डी एकदम तैयार है जी। ओ ब्रदर, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आज रात को 8 बजे मैं गाड़ी लेने नहीं आ सकता। अरे क्यों, क्यों हो गया? और ठीक है, 8 बजे नहीं तो 9 बजे आ जाओ। ओ ब्रदर, मैं 9 बजे भी नहीं आ सकता। ओ कोई बात नहीं, 9 बजे नहीं जम रहा है तो 10 बजे आ जाओ, गड्डी तैयार है। ओ ब्रदर, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज रात को मैं नहीं आ सकता। क्या, क्यों, किस लिए, ऐसे कैसे? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, 4 लाख का बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो कमाल है यार, तुमको कौन सा पैसे का बंदोबस्त करना है? वो पार्टी ने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वही पैसे लेके आ जाओ और गड्डी ले जाओ। अरे ब्रदर, पैसा तो पानी की जैसा जाता है, वो तो कर्जा हो गया। लेकिन यू डोंट वरी, मैं 3 दिन में बंदोबस्त करता हूँ। 3 दिन यानी 72 घंटे? ओ नाना ना, इतनी मोहलत नहीं है हमारे पास। मोहलत? What do you mean? वो मतलब 3 दिन तक वो पार्टी रुकने वाली नहीं है, और मैंने उसको आज पेमेंट देने का वादा किया है। पीटर प्रा, तुम कैसे भी करके आज रात को 4 लाख रुपए लेके आ जाओ, और वो शेख साहब है, उनको भी तो गड्डी देनी है यार। सॉरी ब्रदर, मैं आज का आज पैसा का बंदोबस्त नहीं कर सकता, मैं 3 दिन के बाद तुमको फोन करेगा। ओके बाय। ओ पीटर, पीटर, रोशन बहुत बड़ा पंगा हो गया, वो पीटर आज रात को 4 लाख रुपए लेके नहीं आ रहा है। सु बात करेच ओ खुदा जी, हवे सुटो से। हेलो मेहता साहब। सूरी, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों भाई? ओ मेहता साहब, अभी पीटर फर्नांडिस का फोन आया था, वो कह रहा था कि आज रात को मैं 4 लाख रुपए लेके नहीं आ सकता हूँ। ओ माय गॉड, छोड़ी, ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है यार। अरे मैंने उसको बहुत जोर मारा कि तू आ जा, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था, कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे आऊँ। अभी पैसे इंतजाम करने के लिए उसको 3 दिन लगेंगे और वो तभी आएगा। 3 दिन के बाद? नहीं 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 सोडी, अपना सारा प्लान फेल हो जाएगा यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हम सबको मिलकर कोई नया प्लान सोचना पड़ेगा सोडी। हाँ। अच्छा एक काम कर, तू गार्डन में पहुंच, मैं भी सबको फोन करता हूँ, गार्डन में पहुंचे वहाँ मिलकर कुछ सोचते हैं। हाँ, ठीक है मेहता साहब। ठीक है ठीक है, जल्दी आ रहा। क्या हुआ मेहता साहब, अचानक हम सबको यहाँ ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? हाँ मेहता साहब, क्या हुआ? अरे भाई वही मैंने पूछा, वही तुम पूछ रहे हो। जेठा लाल, 4 लाख मेरा गया है, तुम्हारा नहीं, मैं 4 बार बुझूंगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये 5 बार हो गया, एक बार पहले भी पूछा ना क्या हुआ। अरे क्या कर रहे हो आप लोग यार, बच्चों की तरह, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, जो मुद्दा है उस पे बात कर ले हम लोग। ये देखो ना यार भाई, वो जो पीटर आज शाम को रुपए लेके आने वाला था, वो आज शाम को नहीं आ रहा है। अरे वो पीटर का मेरे पास अभी फोन आया था, वो कह रहा था 4 लाख का इंतजाम नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। 4 लाख गया ये घपरे? अरे सॉरी, 3 दिन के बाद, लेकिन हम लोगों के पास तो बहुत कम टाइम है। हाँ अरे बहुत नहीं, बहुत 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 कम टाइम है। 3 दिन बाद अगर वो आएगा, तब तक तो वो चालू पांडे हमको डंडे मार के जेल के अंदर डाल देगा। हाँ और तुमने तो स्वाद भी चखा है जेठालाल। चुप रहना चापले। मेहता साहब, मुझे तो लगता है कि उस पीटर को हमारे प्लान के बारे में जरूर शक हो गया होगा। अरे तुम वो छोड़ो, मुझे तो लगता है वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। अरे उसको ना उसी वक्त सोड़ी गैरेज में पकड़ लेना चाहिए था। हाँ। अरे गैरेज में अगर उसको उस समय पकड़ लेते तो अय्यर के 4 लाख रुपए कैसे वसूलते? हाँ। अब प्रश्न ये है दोस्तों कि हम ऐसा क्या करेंगे फिर से उसे अपने जाल में फंसा लें। सही बात है। एक तरकीब आजमाता हूँ, देखते हैं वो फंसता है कि नहीं। किसे, उसी को फोन लगा रहे हो? हाँ। हेलो। हेलो, आप पीटर, हमसे कबूली बिन फिरोजी बोलती है। अरे शेख साहब, मैं अभी आप ही को ही फोन करने वाला था। अच्छा क्यों? अरे शेख साहब, मैं आज आपको गाड़ी नहीं दे सकता। अरे ये क्या तुम बोलती? अरे आज शाम को हमारी शिप मुंबई से उपड़ती, तुमने हमको जबान दी, इसलिए हमने हमारा बेगम दया। हया 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 बेगम हया को हमने जबान दी कि तुम्हारे वास्ते एक लाल कलर की स्पोर्ट्स कार 2 सीटर आज ही आती, और अभी तुम हमको बोलती तुम नहीं आ सकती। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अरे शेख साहब, मैं आपको 2-3 दिन के बाद दे दूंगा ना। 3 दिन बाद नहीं, वो गाड़ी हमको आज ही मंगती,
अगर तुम वो गाड़ी आज ही लाती तो गाड़ी का हम तुमको 25 लाख की जगह पे 30 लाख रोकड़ा देती। 30 लाख? हाँ 30 लाख। ठीक है ठीक है, आज रात को ही कार लेके आता हूँ, ठीक है? थैंक यू, ओके, जय हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ जेठा भरा की कह रहे हो पंटल? अरे सोढ़े, कौन कहता है कि बुरी चीज है लालच? सुनना। सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। कौन कहता है कि बुरी चीज है लालच? अरे अच्छे अच्छे फंस जाते हैं इसमें, जिसे कहते हैं लालच। जेठालाल मतलब क्या क्या हुआ क्या? हाँ अरे मतलब ये कि उसको 5 लाख की लालच दी तो वो आज ही आने को तैयार हो गया। जेठा 30 लाख का निशाना सही लगा। सोड़ी अब तो देख, मैं 3 तक गिनती पूरी करूँ उसके पहले पीटर का फोन तेरे पास आ जाएगा। 1 2 3 पीटर की घंटी बज गई। हेलो हेलो ब्रदर, मैं पीटर बोल रहा हूँ। हाँ पीटर ब्रा बोलो। ब्रदर 3 दिन के बाद नहीं, मैं आज रात को ही आ रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ बंदोबस्त हो गया मैन। और पीटर प्रा आजा आजा, याद है अपना वादा, प्रॉफिट आधा आधा। हाँ ब्रदर 25 लाख आधा आधा बांट लेंगे। ओके ओए 25 क्यों, अब तो 30। 30 लाख? 30,000 लेने हैं काके। क्या कर रहा है तू यार, ओ क्यों नुकसान करा रहा है हमारा? और तेरे को नहीं कह रहा पीटर पर, यार अपने मैकेनिक को कह रहा हूँ। ओके ओके आजा आजा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। मैं रात को 8 बजे पहुंच जाता हूँ। ओके चंगा। ओए जी जेठा परा, और तेरे 30 लाख के लालच का निशाना अचूक लगा। पीटर शाम को 8 बजे आ रहे। दोस्तों अब उस पीटर के साथ फाइनल फिनाले खेलने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार वो पीटर इस गोकुलधाम सोसाइटी में एंटर हो जाए, उसके बाद वो बच के नहीं जा पाएगा। मिलो हाथ। अरे इधर। अच्छा अच्छा फोन उठाओ फोन उठाओ। बोमन अंकल फोन ही नहीं उठा रहे। ए बाप रे, पौने 8 हो गए और वो पीटर 8 बजे आने वाला है यार। अरे मुझे तो डर है ये बोमन अंकल और पीटर एक साथ ना आ जाए। नहीं भाई। अरे बाबा सब कुछ भूल गया। अरे नहीं आए तो मेरा तो 4 लाख गया। और हम सब लॉकअप में जाएंगे वो अलग। सारा प्लान पोपट क्या? मतलब कि सारा प्लान फेल हो जाएगा। अभी क्या बमन काका? आ जाओ बमन अंकल। बमन अंकल जल्दी गाड़ी बंद करो। एक मिनट तेरा भारी पड़ता है। एक मिनट आ जाओ बमन अंकल। मोबाइल पे बात नहीं करता है, यू नो बहुत बड़ा गुनाह होता है। वाह अरे उसी के लिए फोन है। हेलो हाँ पीटर परा, ओ कितने पहुंचे यार? अरे वहां से बस राइट ले लो और सामने गोकुलधाम सोसाइटी है। आ जाओ यार। मेहता साहब वो तो नाके पे पहुंच गया है, अभी क्या करना है? अब देखो पैनिक मत करो, सबसे पहले तो आप लोग ऐसे चहल पहल रखिए जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, उसे शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बम्मन अंकल वो आपको पहचान सकता है शायद। और जेठालाल तुम्हें तो मिला है वो यार, सबसे पहले आप दोनों कहीं छुप जाइए। अरे हाँ वो। और आप लोग बिल्कुल नॉर्मल चहल पहल रखिए।
कितना हुआ? 48. ये ले, 50 रख. ओके. आजा आजा पीटर ब्रा, वेलकम वेलकम. और ये आपकी गड्डी तैयार है. और आपका 4 लाख भी तैयार है ब्रदर. अय्यर ब्रा, गिल्लो पैसे आपके. थैंक यू सड़ी. अरे मोस्ट वेलकम यार. थैंक यू. इसे मियां ले. अभी मैं शेख साहब को फोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ मिल रहा है. यहाँ जल्दी मिलाओ, अगर शेख साहब बोलेंगे तो गड्डी को दुबई चला के ले जाएंगे. You're a good man. Okay. Okay, okay. 25 लाख का मामला है. Right, you're. हेलो मिस्टर शेख. हाँ बोलो बोलो, क्या बोलती? शेख साहब वो गाड़ी तैयार है, आप इस वक्त कहाँ मिल सकते हो बता दो, मैं कार लेके वहाँ पहुँचता हूँ. अरे वह तो एक काम करो, गाड़ी लेके तुम अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में पहुँचो. गोकुलधाम सोसाइटी? मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ही खड़ा हूँ. खुशामदीद, हम भी गोकुलधाम सोसाइटी में होती. किधर? पीछे मुड़ के देखो. नहीं होगा दुबई का शेख. फोटो के साथ आर्टिकल छापूंगा तूफान एक्सप्रेस में. यार तेरी तो ऐसी की तैसी. मारो इसको पकड़ के. हाँ? और गाड़ी चोरी करके हमको भेजता है. तेरे वजह से हम सब लोगों को जेल में जाना पड़ा. हाँ। देखा पीटर, तेरी वजह से सारे लोग एक एक करके लॉकअप में गए, लेकिन हम सब लोग जब एक हो गए तब तेरी एक नहीं चली. हाँ। आली आली पुलिस. और हीरो बन रहा था ना तू, अभी तेरी हीरो गिरी निकालते हैं. अरे भागेगा कैसे? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो कार जो पकड़ लीजिए इसको. पकड़ लो. पकड़े पाने नहीं आला आज. टाकरे और पांडे प्राची, आपने हम लोगों को 48 घंटे की मोहलत दी थी, पर आई एम सो सॉरी, और हम लोगों ने मिलकर सिर्फ 24 घंटे में इस चोर को आपके हवाले कर दिया जी. हाँ हाँ, सो स्वीट ऑफ यू सोडी साहब. और गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने जो कानून की मदद की है उसके लिए हम तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं. और हाँ, आप लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ी है उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं. नहीं पांडे साहब, हम लोगों को आपसे कोई शिकायत नहीं है. थैंक यू. अब हम चलते हैं, इस कार चोर को जरा डंडे का स्वाद चखाना पड़ेगा ना. बेटा रिवर्स जा, रिवर्स जा. ठीक है. मुझे लगता है इनका नाम पांडे क्यों है पता है? पूरा डे पान खाते हैं ना. पांडे काय गो भाई. मैं दादा, थैंक यू वेरी मच.
आपका प्लान स्टेप बाय स्टेप एकदम सक्सेस रहा। हाँ मेहता साहब, एक बात तो कहनी पड़ेगी, अगर आपने ये मास्टर प्लान नहीं बनाया होता ना, तो ये पीटर फर्नांडिस का बच्चा कभी हमारे हाथ नहीं लगता। हाँ बरोबर है। अरे यार आप लोग तो शर्मिंदा कर रहे हैं यार, आइडिया देना अलग चीज है, लेकिन अगर सब लोग मिलजुल के ना करें तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। अरे ये सबका मिला जुला कारनामा है। नहीं नहीं मेहता साहब, नहीं ये मिला जुला नहीं, ये सिर्फ अय्यर भाई का कारनामा है। यार आप क्या कर रहे हो पांडे, कारनामा। आज कुछ पता नहीं कुछ क्या हो गया था डेटा बड़ा खुशी में। अरे वाह केक। और जेठा ब्रा, तुमने फिर से केक मंगाया। सॉरी यह केक मैंने मंगाया है। बबीता लेट सेलिब्रेट अवर वेडिंग एनिवर्सरी। केक नहीं खिलाओगे? खाओ भाई खाओ। थैंक यू वेरी मच।